Hello students, how are you all? I hope you all are fine. And now we are discussing about the last lesson chapter. तो आज हम जो discuss करने वाले हैं, हमारा जो discussion का जो point रहने वाला है, वो है the last lesson. Okay? And the narrator of this, the author of this chapter is Alphonse Daudet. तो जो Alphonse Daudet है, वो इसको उन्होंने ये chapter लिखा है, ये point, ये story लिखी है, काफी interesting story. And in this chapter, we are going to discuss an event took place in 1870. तो एक event को discuss करने वाले हैं, एक घटना को discuss करने वाले जो 1870 के अंदर हुई है. 1870 के अंदर जो Prussian soldiers हैं, उन्होंने capture कर लिया था France को. जो Prussian soldiers हैं, और वो किसके थे? जो Bismarck है, Bismarck country है, ठीक है, जो जर्मनी के, जो बाद में चलकर जर्मनी में या कई सारे देशों में डिवाइड हो गई थी. तो जो बिस्मार्क है, उसने विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन सोल्जर्स कैप्चर द फ्रांस. तो उसने क्या कर लिया था? कैप्चर कर लिया था किसको? फ्रांस को. और उसके बाद भी क्या हुआ? उन्होंने अपने जो रूल एंड रेगुलेशन है वो अप्लाई करना शुरू कर दिया. तो फ्रांस के अंदर लैंग्वेज है वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, टीचिंग के यूज में भी जाती थी फ्रेंच लैंग्वेज. तो ऑर्डर आया कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वुड बी स्टॉप, उसको क्या कर दिया जाए? स्टॉप कर दिया जाए. एंड द प्लेस ऑफ फ्रांस या फ्रेंच लैंग्वेज वुड बी टॉट जर्मन लैंग्वेज. कि क्या पढ़ाई जाए? जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाए फ्रेंच लैंग्वेज के जगह पर. ये हो रहा है. तो उसके बाद में क्या फीलिंग चेंजेस होते हैं, कैसे माइंड सेट हो जाते हैं लोगों के, तो वो कुछ वो देखने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट. इसमें कैरेक्टर है जिसका नाम है फ्रेंच. क्या नाम है? फ्रेंच. इज अ बॉय एज स्टूडेंट. ये स्टूडेंट केयरलेस है एंड नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी. तो ये स्टडी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है. ओके, ही लाइक्स टू प्ले. इसको खेलना पसंद है, ठीक है. एंड व्हेनेवर ही गेट्स टाइम, या फिर ये बंक करके स्कूल में ये कहाँ चला जाता है? सार के ऊपर चला जाता है फॉर स्लाइडिंग. ओके, या फिर सीकिंग फॉर बर्ड्स, एक मतलब बर्ड्स के ढूंढने के लिए चला जाता है. कौन? फ्रेंच. क्योंकि इसको स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ना नहीं चाहता, पसंद नहीं है. ओके, और दूसरा जो अपोजिट में सॉरी जो इनके टीचर है उनका नाम है एम. ओके, एंड ही हैज बीन टीचिंग देयर फॉर 40 ईयर्स. तो वो वहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं कितने ईयर से? 40 ईयर्स से, मतलब 40 साल हो गए उनको वहाँ पे टीच करते हुए, और अपनी फैक्टफुल सर्विस दे रहे हैं वहाँ पे. उनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है. एंड ही कैप्ट एन आयरन रूलर विद हिम. अपने साथ में वो एक आयरन रूलर रखते हैं, स्केल रखते हैं. तो काफ़ी स्ट्रिक्ट बिहेवियर उनका. तो लेट्स सी नाउ. तो देखते हैं वहाँ से आगे, तो समझते हैं क्या है इसके अंदर. ओके, द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, की जो नरेटर है इस स्टोरी का, इज बाय अ फ्रेंच बॉय. कि नरेटर का मतलब हु इज नरेटिंग दिस स्टोरी, एंड दिस स्टोरी इज नरेटेड बाय अ फ्रेंच बॉय. फ्रेंच, तो एक जो फ्रेंच बॉय है, फ्रेंच बॉय जिसका नाम फ्रेंच है, वही इस स्टोरी को नरेट कर रहा है, वही इस स्टोरी को बता रहा है, ठीक है. तो फ्रेंच इज अ लेजी बॉय. व्हिच काइंड ऑफ बॉय इज दिस? ही इज अ लेजी बॉय. तो कैसा बॉय है? एक लेजी बॉय है. हाउ डू यू इन स्पाइट ऑफ हिज लेजीनेस, मतलब हालांकि, मतलब लेजीनेस होने के बाद में, आलसी होने के बाद में भी फ्रेंच लाइक्स टू प्ले एंड इज ऑफ सेंसिटिव नेचर. मतलब लेजी है फिर भी उसको पसंद है खेलना. मतलब स्टडी में मन नहीं लगता, स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है, बाकी जो अदर एक्टिविटीज है ही लाइक्स, उसको पसंद है. ओके, उसको पसंद है. एंड इज ऑफ सेंसिटिव नेचर, और नेचर जिसका काफी सेंसिटिव है, काफी संवेदनशील प्रकृति का ये बॉय है. फर्दर गो, फ्रेंच हैड्स हिज टीचर एमएम. मतलब कि जब तक ये आदेश नहीं आया होता है कि अब फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी, उससे पहले तक उसके जो टीचर है उसे वो हेड क्या करते थे? एमएम. क्या नाम है टीचर का? एमएम. तो एमएम क्या करते थे? वो फ्रेंच जो है वो हेड क्या करता था. ओके, और एंड हैज नो इंटरेस्ट इन स्टडिंग फ्रेंच. और उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था किसके अंदर? स्टडी करने में फ्रेंच. अब इसमें एक इंसिडेंट है, जब स्टार्ट होता है ये चैप्टर, तो उसमें देखते हैं कि जो फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट एंड ड्रेडेड ऑफ स्कॉल्डिंग, और वो डर भी रहा स्कॉल्डिंग के लिए, इसलिए वो लेट स्टार्ट होता है. एक्चुअल में क्या है कि एमएमएल जो है उन्हें क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं. एमएमएल सेड दैट ही वुड क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स. कि एमएमएल ने कहा है कि मैं आप लोगों से क्वेश्चंस करूंगा पार्टिसिपल्स के ऊपर. और फ्रेंच की बात करें, जैसे कि हमको पता है कि उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं स्टडी के अंदर, इसी वजह से ही
They don't know even the first word of participle. कि पार्टिसिपल का पहला वर्ड भी वो नहीं जानता है क्योंकि उसको बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है किसके अंदर, स्टडी के अंदर. इसी वजह से तो एमएमए ने कहा है कि वो क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे किसके ऊपर, पार्टिसिपल्स के ऊपर. तो ही वुड क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स एंड फ्रेंच डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट पार्टिसिपल्स. और पार्टिसिपल के बारे में वो एक वर्ड भी नहीं जानता, इसी वजह से वो डरा हुआ है, इसको जानना नहीं चाहता. तो वो सोचता है कि मैं बंक कर लूं, लेकिन वो फिर भी स्कूल चला जाता है, अपने आप को रेसिस्ट करता है. तो आगे क्या क्या घटित होता है वो सब देखेंगे. ओके, तो व्हेन ही वाज गोइंग टू स्कूल ही पास्ड थ्रू टाउन हॉल. तो टाउन हॉल में से निकलता है, देन ही सो अ क्राउड अराउंड द बुलेटिन बोर्ड. तो बुलेटिन बोर्ड के सामने क्राउड देखने को मिलता है उसको. ओके, एंड ही केम टू नो दैट सम न्यूज हैज कम फ्रॉम बर्लिन. ओके, कोई ना कोई तो न्यूज आई है बर्लिन से, पर लेकिन ही डिड नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ न्यूज इज देयर. कि किस प्रकार की न्यूज वहां पर है उसको नहीं पता. वो स्कूल के लिए रवाना हो जाता है. तो स्कूल जब वो पहुंचता है तो ही फाउंड द अनयूजुअलनेस. तो वहां पे उसको अजीब सा फील होता है. ओके, एंड ये जो वर्किंग डे भी जो था उसका, वो संडे मॉर्निंग की तरह लगता है. एवरीथिंग वाज स्टिल देयर. ओके, तो वहां पे सब कुछ स्टिल था. तो हम बोल सकते हैं साइलेंस सराउंडेड स्कूल, की एक तरह से शांति छाई हुई थी पूरी स्कूल के अंदर. तो एन ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन. After taking over the district of Alsace and Lorraine in the French. देखो क्या हुआ है कि कहने का मतलब ये है कि जब वो स्कूल में जाता है उसके टीचर का जो बिहेवियर चेंज मिलता है उसको. वैसे तो वो काफी स्ट्रिक्ट थे, रूलर अपने साथ में रखा करते थे, क्रेंकी बिहेवियर उनका था. बट when the MML said, जब MML कहते हैं this is the my last lesson, okay, and the order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. तो जब MMA ने कह रहे कि उनको क्या हो गया है, कहने का मतलब कि आदेश आ चुका है कहाँ से, बर्लिन से, कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या टीच की जाएगी, अब सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी. जब ये बताता है तो फ्रेंच, जो फ्रेंच बॉय है, पर फ्रेंच की बात कर रहा हूँ. ओके, विकम वेरी सैड. वो काफ़ी सैड हो जाता है. एंड ही थॉट दैट ही इवन डिड नॉट नो how to write and read in French. कि अभी तक तो उसको याद लिखना पढ़ना भी नहीं आता, अभी उसने ज्यादा नहीं सीखा है, ये माइंड में उसके आता है. ठीक है, अब मैं अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है वो कैसे मैं सीख पाऊंगा, सारे जो थॉट्स अब उसके माइंड में रनिंग में है चल रहे हैं. ओके, तो एन ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन. की ऑर्डर कहाँ से आता है, फ्रॉम बर्लिन, आफ्टर टेकिंग ओवर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन इन फ्रांस. तो फ्रांस की दो स्टेट है, दो डिस्ट्रिक्ट है, एल्सेस एंड लॉरेन. उस पे जो है कौन कैप्चर कर लेता है उसको कैप्चर कर लेता है यहाँ पे हमारे बर्लिन उसको कैप्चर कर लेता है. और उसी के बाद में वहां से जो है वो आदेश आता है दैट जर्मन लैंग्वेज रैदर देन द फ्रेंच शुड बी टॉट इन द स्कूल्स. ये क्या करें, वही जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो जर्मन लैंग्वेज है रैदर देन द फ्रेंच, फ्रेंच की तुलना में, किसकी तुलना में, फ्रेंच की तुलना में जर्मन लैंग्वेज शुड बी टॉट. क्या की है, टॉट की है, पढ़ाई है इन द स्कूल, इन द स्कूल्स. ओके, दे जो वहां के स्कूल से कहां के, एल्सेस एंड लॉरेन, कि जो एल्सेस और लॉरेन की जो स्कूल से वहां पे फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाई जाए. फर्दर मोर इट इज द लास्ट डे ऑफ फ्रेंच टीचर, फ्रेंच टीचर एमएल. क्या कह रहे हैं, आगे की बात ये है कि ये लास्ट फ्रेंच, मतलब कि ये लास्ट डे है. ये क्या है, लास्ट डे है किसका, फ्रेंच टीचर एमएमएल का. क्योंकि उनको पता है कि वो तो फ्रेंच के लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर है, और अब जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो तो बैन हो चुकी है, वो नहीं पढ़ाई जा सकती कहां पर, एल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में. तो अब वो वहां पर तो रह नहीं सकते, तो अब उनको वहां से जाना होगा. वही कह रहे हैं. Okay, this teacher has been working there for 40 years and this teacher has been working. तो ये जो teacher था वो working कर रहा था वहाँ पर for 40 years. कितने years तक? For how many years? For 40 years. कि 40 years कम नहीं होता, काफी बड़ी service होती है और faithful service उन्होंने वहाँ पे दी है Alsace. कहाँ पर? यहाँ पे Alsace और Lawrence के schools के अंदर. तो 40 years. Moreover, the teacher has feeling of
पैट्रियोटिज्म, और ऊपर से उनमें फीलिंग भी है पैट्रियोटिज्म की। पैट्रियोटिज्म का मतलब होगा देशभक्ति, देशभक्ति की जो फीलिंग है उनके अंदर भरी हुई है। वो कहते हैं उनसे, किनसे, सभी टीचर से, सॉरी सभी स्टूडेंट से जो वहां पर है, क्या कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज। कि क्या कहते हैं कि सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे ज्यादा क्लियर और लॉजिकल लैंग्वेज बताते हैं इसको, फ्रेंच लैंग्वेज को। कौन ये हमारे जो टीचर एमएल, वो सभी स्टूडेंट से कहते हैं। ओके, जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका हम नेक्स्ट वाले पार्ट में लेंगे। यहाँ तक आपको समझ में